कोठिया ने बाले भी टुटे पे ते ना साडी कोई सरपंच संबंध गल ना सानू कोई कणक दिंदे आ सा ना साडा कोई काट बना के दिता है। पहले 20,000 रुपया गरीबों ने बिजवाओं ने भर रखा है, 20,000 रुपया हमारे का भैंसा नाती है या खेत है या बाग है हमारे। अरे ओवे नशा चली जा रहा, कोई नहीं सोध हुई किसी चीज, सारा कुछ ओवे चल रहा। पहला कैप्टन साहब ही वो कह गए, हुण चन्नी साहब भी उही बोल रहे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਆ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। सत श्री अकाल, तुसी द अनम्यूट देख रहे हो तो मैं हाँ रवि संग्राहूर। नेता जी दिओ जवाब प्रोग्राम के तहत अज असी पहुँचे हाँ हलका कोटकपूरा दे विच। कोटकपूरा हलका काफ़ी चर्चा दे विच रहा, चर्चा का कारण सी बेदबी मामला और उस तो बाद इत्थे लगा धरना और धरने दे विच चली गोली जिस दे विच दो नौजवान शहीद होए। ये उही चौंक है, उही चौंक है जिथे हज़ारां दी गिणती दे विच संगतां ने इत्थे धरना लाया। इहनू बत्तियां वाला चौंक बोलदे है। हज़ारां दी गिणती दे विच इत्थे संगतां बैठियां, तशद्दुद होया और दो सिख नौजवानों की जान भी गई। कोटकपुरा की सियासत दे बारे समझांगे लोकां तों भी जाणांगे कि जो जो लीडर कोटकपुरे दे विच चुण के आउंदे रहे की उन्होंने कोटकपुरे का कुछ सवारिया। इस वेले इतों के विधायक ने कुलतार सिंह संधवा आम आदमी पार्टी तो विधायक चुने गए कुलतार सिंह संधवा और इस तो पहला श्रोमणी अकाली दल के मनतार सिंह बराड़ भी इतों विधायक रह चुके और इस वेले क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक आ उन्होंने को सत्ता नहीं सी, पर फिर भी कि कोटकपुरे के लोगों ने जो विश्वास करके उन्होंने विधानसभा के भेजा कि वो उस पर खरे उतर सके। तमाम गल्लां बातां लोकां दे नाल करांगे और नाल ही क्योंकि किसानी अंदोलन खत्म हो चुके है, किसानी अंदोलन दे विच जित प्राप्त हो चुकी है, तो किसानों तो भी ये समझांगे कि भाजपा दे वल्लों तैयारियां कीतियां जा रही ने तो कि भाजपा नूं कोई बूस्ट मिलेगा जां पंजाब दे लोक की कबूलणगे भाजपा नूं, क्योंकि बहुत सारे अजिहे लीडर भाजपा दे ने वो तैयारियों के रुझ गए ने क्योंकि किसानी अंदोलन खत्म हो गया और उन्हां दा विरोध भी बंद करनगियां किसान जथेबंदियां। मेरे नाल किसान भी होणगे, आम लोग भी होणगे, उन्हां तो समझांगे जाणांगे कोटकपुरे दे कम्मां दे बारे कि लोग लीडरां दे वल्लों कीते गए कम्मां तो खुश ने और नाल ही भाजपा दे बारे भी असीं समझण दी कोशिश करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम है जी तुहाडा? नाजर सिंह जी। मैनू ये समझाओ कि कोटकपुरे दे विच तुसी कोटकपुरे दे रहण वाले हो, आसे पासे पिंडां दे लोक हो, पहलां तां ये दसो कि कोटकपुरे दे विच जिहड़े काम होए ने 5 सालां दे विच की संतुष्ट हो, सरकार ने कुछ करवाया? नहीं को खास इन्ना नहीं होया जी, घट वधे घट गए होया जी। हाँ पूरा नहीं होए गए, पूरे वायदे नहीं किए गए, कर्जा माफ़ी नौकरियां होर सारा कुछ जड़ा ज कैप्टन ने आदे गुटका साहब फड़ के ते इन्हां दा सौक चुकी सी ते हुण ये भी लक्कड़ दे मुंडे दे रहे चन्नी साहब भी हले कोई मुद्दे च इन्हां ने कोई नहीं। आ बैल तार के साडे पिंड दे उवें बैल लाई जांदे आ उवें ही ओह जिहड़े कीते रेता ओही रेता माफ कीते बिल्लां दी गल सरकार करदी आ ओह माफ नहीं होए पिछों उहनां ने भेजी नहीं एप्लीकेशन मतलब कि उहनां ने भेजियां नहीं उवें ही रेता विकी जा रहा उवें सारे काम चल रहे बयान भाई लक्कड़ दा मुंडा दित्ता ना हसदा ना रोंदा गांह दियां बयानबाजी करी जांदे सही फलाना कुछ कर रहे हैं फलाना कुछ कर रहे हैं उवें नशा चली जा रहा कोई नहीं सोध हुई किसी चीज़ च सारा कुछ उवें चल रहा। पहला कैप्टन साहब भी वो कह गए हुण चन्नी साहब भी उही बोल रहे। ठीक है थोड़ा की नाम है जी? मैं गुरमेल सिंह धालीवाल पिंड संधवा जी, मैं किसान जथेबंदी इकाई का प्रधान हाँ जी संधवा। अच्छा
प्रधान जी तुहाडे तों तां इह सवाल बनदा कि किसानी अंदोलन खत्म हो गया, खुशियां खुशियां खत्म होया, जित नाल खत्म होया, हुण जिहड़े भाजपा दे लीडर है वह लगातार तैयारियां दे विच रुझ गए कि हुण 2022 दीआं चोणां लड़ियां जाणगीआं। उहनां नूं इउं लग रिहा कि पंजाब दे विच सानूं इक बूस्ट मिलेगा, पंजाब दे लोक सहयोग करनगे। तुसीं की सोचदे हो कि भाजपा दे वल्लों वापस किए गए 3 खेती कानून कल्ली कल्ली मंग दा मन लैणा है कि किसान हुण कबूल करेगा भाजपा नूं पंजाब दे विच? देखो जी, सब तो पहले तो मैं तुहाडे चैनल का धन्यवाद करदा जिन्होंने अपना कीमती समां कढ के सानूं मेले दे विच शामिल कीता है। कानून है जिहड़ी बहुत वड्डी एक किसान जथेबंदियां दी जां जो साडे सहयोगी पार्टियां जिन्नियां वी आर्थिक एसोसीएशन मजदूर जथेबंदियां ये सारे ही वधाई दे पात्र है जिन्हें कि एक साल लम्मा संघर्ष लड़िया दिल्ली दे विच बह के। काफ़ी मेरे वीर भरा शहीद हो गए जिन्हें तक दे नहीं दे सकते। भाजपा ने देखो जी जिहड़े आम पब्लिक दे बारे मैं नहीं कहता, जब किसान जथेबंदी नाल जुड़े वो वखरे, किसान भी है वो भी भाजपा को किसी कीमत पंजाब दे विच मूँह नहीं लाउणा क्योंकि इन्होंने जो विश्वास है बड़ा खत्म कर दिता। जिहड़े इन्होंने बीजेपी के एम पी बने हैं, सनी देओल वगैरह बने जां होर भी है, उन्होंने भी किसानों का जां किसानों का दर्द समझदा महसूस नहीं किया भी किसान का दर्द की है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने महसूस नहीं किया। तो धन्यवाद अं करते हैं गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी का, पहले पातशाह जी का जिन्हें गुरपुरब से गए इन्होंने समत बख्शी और इन्हें खून वापस ले और साड़ी संयुक्त किसान मोर्चे बहुत बड़ी जित प्राप्त हुई है। वर्ल्ड के बैठे किसानों की जित प्राप्त हुई है और सारे ये वधाई दे पात्र है। जिहड़े मेरे वीर शहीदियां प्राप्त कर गए है उन्होंने दे नहीं दे सकते और उन्होंने परिवार है जो एक बहुत ज़्यादा वधाई दे पात्र है क्योंकि उन्होंने परिवार एक मैंबर खोया है और उन्हें घर के हालात की है वो असी दुख तो मिटा सकते हैं पर घाटा पूरा नहीं कर सकते। ये असी धन्यवाद करते उन्होंने परिवार का शुक्रगुजार है जिहड़ा कि साढ़े देखने के एक यंग मुंडा 15-16 साल का जिन्हें अमरीका जाना सीगा और अमरीका जाने की बजाय धरने पहल दी वो बंदे ने और जाते ट्राली तो डेग के मुंडे की मौत हो गई और बड़ा दुख होया चीज़ का, बहुत माड़ी घटना सी। अच्छा, कोटकपुरे के बारे समझाओ बाबा जी। कोटकपुरे के कुलतार सिंह संधवा कोट जी मैं आ रहा थोड़े को, कुलतार सिंह संधवा चुन के भेजा कोटकपुरे ने कि वो तुहाडियां आसां उम्मीदां ते खरे उतरे 5 साल जिन्ना को उन्होंने हाथ से की उन्होंने करवाया? देखो इलाके दे विच तां उन्होंने अपना पूरा जोर लाया वै काम कार भी जिवें साडे पिंड दे होण दे नाते कोई पिंड दा साडा सुधार तां ना तां कोई अकाली दल ने किया है, ना ही कांग्रेस ने किया है ते ना ही आम आदमी पार्टी ने किया है क्योंकि वोट बैंक जिहड़ा वेखो हरेक थां लीडर पहुंचा नहीं जांदा। आम आदमी पार्टी कोल कि यही मैसेज सीगा भी साडे कोल पावर ही नहीं, अकाली दल कोल भी पावर है नहीं, रह गई कांग्रेस। कांग्रेस जिहड़े लीडर साडे पिंड नाल जुड़े हुए है तो साडे पिंड नूं कोई एड्डी खास पहल नहीं दित्ती किसी किस्म की भी। तो साडा पिंड राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का पिंड है, सहकारिता मंत्री सरदार जसविंदर सिंह बराड़ी का पिंड है, तो अपने पार्लीमेंट सकत्तर मनतार सिंह बराड़ का पिंड है। तो साडे पिंड इन्ना लीडर होने के बावजूद साडे पिंड का सुधार तो नहीं होया। आसे पासे पिंड बारे मैं कह नहीं सकता भी कि सुधार होया जां नहीं होया, वो तो लोग ही दस सकते। ठीक है, तुसीं की कहना चाहते सी? मैं कहना चाहनी हाँ पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 केड़ी वजह कर मुर्दाबाद मदद के नाम पे पंजाब सरकार कलंक है कलंक है कलंक है। गरीबों के घर पटके इन्ह ने विधवाओं हमारे पुत मरवा के हमारे आदमी मरवा के 1500-1500 रुपये दे के हमारा कुछ नहीं बनाया पंजाब सरकार ने। कैप्टन और बादल सरकार कब के फार्म चल रहे हैं, जमीना देंगे मकान देंगे लैंटर्न वाली छता बदल के देंगे किसी गरीब की कोटकपुरे में या पे बिजली सस्ती हुई बिल बिजली दे बिल माफ होए कि तुहानू ओहदा फायदा नहीं माफ माफ होए हैं। पहले तो कोई माफ नहीं होया, पहले 20-20 हज़ार रुपया गरीबा ने बिजवाओं ने भर रखा है। 20-20 हज़ार रुपया हमारे का भैंसा नाती है या खेत है या बाग है हमारे हैं, हमारे आदमी मरवाए। कैप्टन सरकार बादल सरकार पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब पुलिस मुर्दाबाद पंजाब पुलिस मुर्दाबाद। तुहाडे इलाके दे विच नशे नशे की जेकर गल करिए क्योंकि असी जिस भी हल्के दे विच जाने आ जिन्हां भी लोगों नाल गल करदे हो कहिंदे जी नशे का बहुत बुरा हाल है, जिथों मर्जी लै लो शरेआम विकदा। तुहाडे एरिए दे विच भी कुछ इदां दा ही है? साडा जी मेरा पिंड हरिनोवा, मैं भारतीय किसान यूनियन बीके यू डकौंदा दा प्रधान हाँ, इकाई का सीनियर मीत प्रधान। और जिहड़ा साडे पिंड हरिनोवा इस टाइम जिहड़े हालात सीगे तकरीबन 4-5 मुंडियां दी जिहड़ी चिट्टे दी ओवरडोज़ नाल मौत हुई आ, असी नशे के खिलाफ बहुत वड्डी मुहिम चलाई
अपने इतने DSP साहब संधु साहब ने साडा संजोग दिता सी सदर दे विच SHO च बेअंत कौर सी उन्होंने भी कहा संजोग देवांगे पर उस तो बाद जो नशा तस्करां नूं असीं फड़ा के पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने जी आपकी खाना पूर्ति पूरी की और उन्होंने बंदा से जोड़ा पाबंदी कार्रवाई नहीं की गई उदू बाद जो लगातार ही नशे के खिलाफ सैमीनार भी कराए गुरिंदर सिंह जी मेहंदी रत्ता साहब भी इस सैमीनार पहुँचे सके और उन्होंने बहुत अगे सानू कोशिश की मेरे खिलाफ तो नशा तस्करा ने मानहानि का केस भी करने की कोशिश की लेकिन मैं डरिया नहीं मैनू मेरे पिंड और आंढ़ गुआंढ़ के पिंड ने बहुत ज़्यादा संजोग दिता और असी उस नशे को ठल पाने की कोशिश की साढ़े जोड़े अधिकारी आ चाहे SSP आ चाहे DSP आ उन्होंने तबादले हो जाते हैं लेकिन वो लड़ीवार जोड़ा वो काम आ जोड़े दो नंबर के चिट्टे का चाहे नशे का चाहे वह सट्टे का चाहे वह जूए का जिन्हें भी क्रिमिनल काम वो लगातार इस तरह हो जाते हैं। ठीक है की काम करते हो? बस मैं इतने डन चार्ज ट्रांसपोर्ट से। अच्छा कोटकपुरे के बारे असं समझना चाहते हैं लोगों तो असी जानना चाहते हैं कि कोटकपुरे के काम जेकर शहर की गल कर लिए शहर के बहुत जरूरत होंगे ने सड़क बननिया चाहिए होंगे इतों ट्रैफिक समूद लंघे की यह सब कुछ होया इन्ह 5 साल बिल्कुल जी पिछले पौने 5 साल तो ये कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास का काम नहीं किया बिल्कुल इन्ना असी कह सकते हैं भी जी ट्रैफिक की आ समस्या ये ट्रैफिक इंचार्ज आ साडे मुलाजम बड़ी मेहनत दिन रात कर रहे हैं और लेकिन किसी मजबूरी के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता जी और इन्होंने पिछले 5 साल तो एडे वे लारे लाए है लोगों को गुमराह करता असी आ करांगे असी आ करांगे असी आ करांगे कख भी नहीं किया हुण चन्नी साहब बने पंजाब के मुख्यमंत्री जी घर घर कही जाते चन्नी साहब कल का PRTC का तो पान बस का सारे का उत्तर फरीदकोट सारे डिप्टी में धरने लगे है जी उन्होंने हुण पब्लिक की बड़ी खजल खुआरी होंगी है पब्लिक खजल खुआरी इस तरह हो रही थी पहले इन्होंने किराए माफ़ करते जी पंजाब सरकार ने वो किराया माफ़ होने के बावजूद बीबियों हुण बड़ा परेशानी का सामना करना पै रहा जी और इस तरह माफ होने नाल बीबियों की परेशानी इस तरह की आ कि क्योंकि हुण बसा बंद होने के कारण सरकारी जी वो वेट कर रही उड़ीक कर रही सरकारी बस की जी जी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो लगातार पिछले समय तो जी दीप ट्रांसपोर्ट से बंद सी काफ़ी समय तो हुण वो पंजाब सरकार ने उन्हां नूं टैक्स भर के चालू करता जी उहदे कारण हुण समस्या थोड़ी जी वध गई हो गई है भी प्राइवेट जिहड़ा दारा वो चली जा रहा जी इस तरह हो गया जी तो मतलब असी पंजाब सरकार अगे यही अरदास बेनती करते हैं भी तुसी झूठे लारे ना लाओ झूठे लारे ला के लोगों ना गमरा करो धन्यवाद थैंक यू। ठीक है जी की नाम है तुहाडा? कुलविंदर सिंह जी हरगेवाला ब्लाक प्रधान कोटकपुरा BKU कादियां। अच्छा ये समझाओ कि मैं इधर प्रधान जी होरां नाल भी पहला गल की इस विषय से कि BJP हुण मतलब पंजाब दे विच अपने आप को एस्टैबलिश करना शुरू करेगी क्योंकि अंदोलन खत्म हो गया अज खुशियां दा दिन है क्योंकि अंदोलन जितया गया हुण इस तों बाद किसान की सोचता है कि BJP नूं पंजाब दे विच किन्ना क हुंगारा मिल सकता है जां की किसान भरोसा करेगा हुण दोबारा उहनां ते? पहली गल तो यह है भी सानू कोई खुशी महसूस नहीं गी खुशी महसूस सानू तां होवे जे सानू कुछ भाजपा ने जां सानू मोदी ने कुछ दिता होवे खुशी सानू कादी है दिता की है सानू 718 किसान साढ़े शहीद हो गए 18 16 साल के साढ़े उत्थे बच्चे बेचारे शहीद हो गए खुशी वाली गल कही है दूजी गल ये है सानू अज गमी है खुशी नहीं क्योंकि साडा सीनियर आ फौज का जो कप्तान आ साडा बेचारा हैलीकॉप्टर दे हफ्ते दे विच उहदी पत्नी भी मारी गई 13 जिहड़े साडे आर्मी दे जवान शहीद हो गए थोनू पता ही है सारा इस करके असी आपदे शब्द नहीं कह सकते भी असी खुशी महसूस करांगे। दूसरी गल यह है भी 18 महीने हो गए 13 महीने सानू दिल्ली च हो गए 4 महीने असी इत्थे रोडां ते बैठे रहे खुशी कादी है खुशी तां होवे ना जे सानू घर आया कोई दिता हुंदा तां किसे बंदे नूं घरों बाहर कढ दईए आपां 13 महीने वास्ते ते बाद च उहनूं घर सद लईए भी चल आ जा तेरा घर खाली कर दे असी की खुशी महसूस करूगा उह सानू खुशी कादी है इह साडा नुकसान करोड़ां रुपईआं साडा नुकसान हो गया कल्ला कल्ला जिमीदार आ कम्म छड्ड के उत्थे बैठा है
दिहाड़ीदार मजदूर आओ बैठे है, खुशी वाली तो ये गल कोई महसूस नहीं। तुसी सवाल किया बीजेपी का, बीजेपी को बहुत चंगी तरह से जानते, साडा नुकसान इन्होंने किया है। जिहड़े लोग है कोई अनजाण लोग नहीं गे, पढ़े लिखे लोग है, बीजेपी की पोले पै रही इन्होंने ये वापस लै ले। सानू पुछया से इन्होंने भी थोड़े कानून बनाने लगे हैं, जो इन्हों का नहीं किसी पासे लग चारा चलिया तो इन्हों वापस लेने पे, रद्द करने पे बिल से जोड़े इन्होंने बिल बनाए तो इन्होंने रद्द कर ले। किसानों ने तो बनाए नहीं गए, ना कोई किसानों की राय ली है, ना कोई मजदूर की राय ली है। लोग आ जोड़े मजदूर आ बेचारे थान थान धरने लाने टी टी वाले लाई जाते हैं, इस करके लोग सब कुछ जानते हैं। ये समा ही दसूगा कि मुँह के पेड़ वजदी है, जोड़ा चोर वे वजनी वजनी है, कोई चाहे बीजेपी वाला हो कोई होर हो। घट्टो घट घट्टो घट ये तो हो गया ना कि बीजेपी वाले जोड़े से उन्होंने विरोध घट्टो घट बंद हो गया, इस गल का तो उन्होंने बेनीफिट मिलेगा ना, विरोध उपरों घट जूगा, बोलबाली वालों घट जूगा, पर जोड़ा अंगूठा नपना वो तो अंदर ही है ना लोगों के मन च, विरोध लोगों का घट जूगा, क्योंकि जथेबंदियों का फैसला है भी जो ये साढ़े काले कानून रद्द हो गए असं किसी तक विरोध नहीं करा, विरोध तो बिल्कुल घटूगा, यह तो मनन योग गल है। जो कोई शरारतबाज या कोई पार्टी तौर पर करूगा तो वो जथेबंदी का नाँ तो करूगा तो वो आप खुद पड़े फड़िया जाना है, पर जथेबंदियां विरोध नहीं करनियां। जो तुहाडा पिंड कोटकपुरा हल्के दे विच ही आउंदा, हल्के कोटकपुरा च। अच्छा तुहाडे पिंडां दे विच कोई कामकार होए ने, क्योंकि जिथे विरोधी धिर दा कोई किसी दूजी पार्टी का एम एल ए होवे उत्थे हल्का इंचार्ज लगा दिते जांदे आ जां किसी होर नूं जिम्मेवारी सौंप दिंदी आ सत्ता धिर पार्टी, की पांच सालों के कोई थोड़े पिंडों के कोई ऐसे काम हो जो यादगार बन गए हो, हाँ ठीक होए गए काम? गली बाती हो बहुत, गली बाती हो नहीं हो गए हमने की सके कैप्टन का भाजपा पहला रलिया होया, सारी जाट कैप्टन ने आपकी टीम की क्ढ़ी, सारी पार्टी की क्ढ़ी, तो कम की होना सर 2 महीने वास्ते चन्नी साहब बन गया, 2 महीने च कोई सुधर जू कम, जे 5 साल च नहीं सुधर सकया गा, 36 महीनों च नहीं सुधर सकया गा, तो 2 महीने च किवें सुधरूगा, की सुधार देंगे की चलो चंगी गल सुधार के धन्यवाद करांगे। पर वोट पाउणी है ना, की सोच के वोट पाओगे फिर, क्योंकि वोट तो हर एक ने देनी है, की सोचा जाऊगा? पहली गल साडा वोट नाल संबंध कोई नहीं, साडी जथेबंदियां दा, जथेबंदियां एक किसी चीज़ का ऐलान नहीं करदियां भी असीं फलाने बंदे नूं वोट पावांगे, वोट पावांगे जरूर। मैं वोटर की गल कर रहा, तुसीं वोटरों जाके वोट पा के आओगे, कुछ तो सोच के पा के आओगे ना, जथेबंदी जथेबंदी लैवल ते मैं गल नहीं कर रहा, एक वोटर नाल गल कर रहा कि सोच के वोट पाओगे। वोट वेखो हजे समा पिया, हजे वोट दे विच समा पिया, 3 महीने पे है, 90 दिन पे, समा तो सुबह कुछ गल होर हुंदी है, दुपहरे होर हुंदी है, तो जो वोट पाउण जाने हैं उदों मन च कुछ होर हुंदा है, ये तो मौका दसूगा। ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दसो जी। पत्रकार मैं विधवा औरत हूँ, पंजाब पुलिस ने मेरे सिर पे 15 साल हो गया कंप्यूटर लगा रखा, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, विधवाओं के घर खाली करा रखे ने बिजली के जरिए, पानी के जरिए, ना कोई बिल माफ़ ना कोई पानी माल, अब जाके बिल माफ़ हुआ, 20-20 हज़ार विधवाओं कहाँ से भरें, 20-20 हज़ार रुपया कहाँ से विधवा भरे, पंजाब में पूरा नशा फुल भी करा, पंजाब पुलिस भी कुंवारी, मेरे सिर के ऊपर पंजाब पुलिस ने कंप्यूटर लगा रखा। कौन सा कंप्यूटर लगा रखा? पता नहीं कौन सा लगा रखा, किस किस चीज के लिए, पता नहीं किस चीज के लिए लगा रखा, एक ये कह रहे होगी मेरे सिर पर पाउडर डाल रखा है, ये कह रहे होगी ना मेरे सिर पर पाउडर, पाउडर ना चिट्टा पाउडर पा दे, अच्छा पर्चा कर रखा, पर्चा रखा, मैं क्या पता नहीं केड़ा कंप्यूटर, ये कहन दिए कुछ, हां कंप्यूटर लगा रखा, एक बेटा मार जा दूसरे बेटे के, कंप्यूटर लगा जान दे जान लगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा की नाम है? मेरा नाम अंग्रेज सिंह जी। कितों दे रहने वाले? मैं इतों का ही रहने वाला हूं, कोटकपुरे दे। हां जी हां, अच्छा असि कोटकपुरे दे कम्मां दे बारे समझ रहे हैं, आ जाओ तुसी भी आ जाओ नाल, असि कोटकपुरे दे कम्मां दे बारे समझ रहे हैं कि 5 सालों के सरकार के किए कामों तो खुश हो, जो तो एम एल ए चुने गए कुलतार सिंह संधवा उन्होंने वालों जो कुछ किया गया कि वो तो संतुष्ट हो? असल जी कुलतार सिंह संधवा के हथ कुछ है ही नहीं, उन्होंने हथ पावर ही नहीं सी जी, ठीक है ना जी, वो तो विरोधी धिर के होर दूजी धिर नेता से, हाँ जी हाँ दूजी धिर ने, पर जिस तरह काम हो रहे जी उस तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं जी, क्योंकि इधर साढ़े वाल्मीकि चौंक चो द्वारे सड़क जाती है जी, वो सारी सड़क पट्टी भी है जी, तो वो मेरे हिसाब से 5 साल नहीं बनती जी, सानू उम्मीद नहीं भी बन जाऊगी हो जी। बनी नहीं हैगी बन जूगी बन रही है? वो पट्टी भी है जी, पट्टी भी है। हाँ जी, यानी इस टर्म च लगता नहीं बन, नहीं बनती जी, सरकार के कामों तो संतुष्ट नहीं तुसी? नहीं संतुष्ट। ठीक है ठीक है, सत श्रीकाल जी, की नाम है तुहाडा? अशोक कुमार है जी।
अशोक कुमार जी तुहाडी तुहाडी इह मार्केट है, मार्केट दे विच दुकानदारां नूं इह पता हुंदा है कि सानूं किहड़ी समस्या दरपेश आउंदी है, की हल होना चाहीदा सी जां फिर होया जां नहीं होया। इत्थे 5 सालां दे विच तुहानूं जो समस्यावां सी की कोई इत्थों दे प्रशासन ने इत्थों दी इत्थों दे MLA ने जां सरकार ने कोई हल कीता? कुछ हल नहीं कीता जी। वेखो की करूं जिहड़े खाना पार्किंग नाल, अज तुहानूं खा लैंदा मैं, पार्किंग नाल 30 खोखे सीगे इत्थों दे कालिया ने जाड़े सीगे अज तो 2015 तो अजक की घर कोई ना कोई सहूलत मिली तो ना सरकार ने कोई मदद की गई, उवें उजड़े फिरते हैं। किवें उजाड़े किवें सी? अकाली सरकार सी नहीं, उन्होंने कहते भी तकड़े बंदे है, भी शहर की मलाई है ये, आ दुकाना का 30 घर इतों लैके उतों चुकर जी एवं लगे जी साढ़े खोखे, हाँ तक किसी दुकानदार को कोई बेनीफिट नहीं दिता गा। अच्छा इतने खोखे से खोखे चुक दिते गए? चक्के चुक दिते जी। उन्होंने बेनीफिट कोई नहीं दिता? कुछ नहीं दिता जी। हाँ तक सड़क से आए पे है, किसी ने अपनी बेटी ने पढ़ाना सीगा लिखाना सीगा, उन्होंने बारे कुछ भी नहीं बने हाल तक। तो जिन एक ने अपने बच्चे का विह करना सीगा, उन्होंने घर बार वेच के विह किया, तो इतने समान भी चक्कर दिता, तो इतों लैके पार्किंग तैयार की गई, पार्किंग बनाई नहीं, पार्किंग नहीं सरकार की ही बादल सरकार की फिर छोटी सी भी वेच के भी अपने दुकाना बना के तो सेल करनी है, तो गरीबों उठाता 30 घर जुड़े पे अज तो 2015 के। माता जी कितने पिंड है तुहाडा? 5 ग्राई वड्डी वड्डी 5 ग्राई। अच्छा माता, सरकार ने जो कुछ ऐलान किए जो कुछ औरतों के वास्ते ऐलान किए, तुहाडा किराया माफ किया, पेंशन दे विच वाधा होया? किराया नहीं माफ किया बिल्लू, असी तो बाले औखे हैं घर, मां पुत ही असी, तो थोड़े अंकल गए 5 साल हो गए, 6 साल लग गया, तो साढ़े तो कोठिया के बाले भी टुटे पे आ, तो ना साड़ी कोई सरपंच संबंधा गल, ना सानू कोई कणक दिंदे आ, ना साडा कोई कार्ड बना के दिता है उन्होंने, कणक आला ना कोई दूजा, कणक नहीं मिलती, ना कणक मिलती ना कोई दाज आला बना। सरपंच नूं कहा तुसीं? सरपंच क्यों नहीं? सरपंच नूं असीं 3 वारी फार्म भर के दित्ते, उन्हें साडा कार्ड नहीं बना के दिता। की कारण बेबे? कुछ तो दस दे होणगे, बनदा क्यों नहीं? की पता सानू, आने असीं आखे बना देंगे बना देंगे, बना के नहीं दिता, बस लारे लाई जाते आ, लारे लाई जाते, थोन बाले टुटे हुए साढ़े कोठे के, थोनू दिखा देंगे, घड़े बाले उत्ते पाए हुए दो रैस वाले को। लीडर थोड़े को लीडर जो वोटा मंगण आते होंगे उन्होंने कहा किसी कि साडा काम करवा के दौ, सा घर डिग पा हम आने तो असं आखा उन्होंने भी, हम उन्होंने आखा भी असं वोट तो पावे जो साडा काम करवाओगे, बिल्कुल हक बनता है पुछना। फिर मैं कोठिया भी उन्होंने लिखा के आई सरपंच के कोल, जो इन्हें लिखता स यार असं कोठिया के पैसे लैटरिंग आने पैसे, कोई सानू लैटरिंग का नहीं सानू पैसा दिता, कोई सानू कोठिया का नहीं दिता, कोठे मैं दो लिखा के आई हूँ, साढ़े बाले टुटे पे आ, एक तो साडा तुड़ी वाला कोठा सी, तो दो साढ़े रहने वाले से जाके वेखो एडे एडे डूंगे हो मसा मड़ती मैं बच्चे भरत पाई आते वेड़े च पानी कड़ जाता सी सारी कली का। जे 5 साल बाद भी यह जी माता दखा के हंझू आए ने, अज सिर्फ गल करके अज हंझू आए ने, तो कि तरक्की की गल करते हैं असं, तुम खुद समझ सकते हो। माता जी एक बार पिंड दसो अपना, वड्डी 5 ग्राई संधुपत्ती। संधुपत्ती हाँ, सरपंच नूं मिलियो अज जाके एक बार दोबारा करियो गल उन्होंने, इतों देना असं दोते हाँ अपने तूत साडा पिंड सी पहला, तो इतने नानक ढेरी ते रहिंदे हुंदे सी, तो ये थोड़े अंकल ने शराब वाली पिंडां दा सी पहली खराब करती सी, हुण कोले साडे कख नहीं, मां पुत पुत मेरा दिहाड़ियां करदा, जट दा पुत दस दिहाड़ी किवें आने हुंदे आ, करनी बहुत औखी आ, कुआरा हजे मंगया नहीं ब्याह दी। माता हुण जदों आउणगे लीडर सवाल करोंगे उन्होंने? हाँ सामने खड़ के सवाल करियो उन्होंने के साड़ी 5 साल तुसी सुनी नहीं, हुण किहड़े मूंह नाल मोटा मंगणा? हाँ पहला साड़ी पैरसन भी इन्होंने रोकती सी, पैरसन ने ना भज भुज के मसा लवाई है, उत्थे जाके मैनू किसी ने कहा भी सेंटर से जाके आख, फिर मैं सेंटर से जाके उत्थे फरीदकोट आखा जिहड़ा 7 करोड़ ते आ, फिर मेरी पैनशन चली आ 3-4 साल मेरी ना पैरसन भी इन्होंने खा गए सी। पेंशन मिलती है हुण? हुण पैरसन आउंदी आ, हुण मिलनी शुरू होई, हुण चिर हो गया, हुण नहीं आएगी, हुण आउणगियां पैरसनां दे। हाँ तो ज असी ना कणक कुणक कट लो बलो बहुत बिंदू औखे हैं, सानू हम माँ पुतान साडा आटा भी मिलता, साड़ी सारी चीज़ मिलती है, तो हम जिते रहने तो वह भी आ रहे कोठे डकते हैं। ठीक है MLA साहब, इन 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 लोगों दुनिया बहुत जरूरी ने, जो थोड़े तक साड़ी वीडियो पहुँचेगी तो ये माता का हाल जरूर जाने के माता जड़े ने 5 ग्राई रेंदे ने, इन अखा च हंझू कि वजह करके आना का हल तुम कर सकते हो, इन्हों का हल तुम कर सकते हो, क्योंकि अज भी उन्होंने मन के दर्द झलकद। तो की नाम है भीरे? कुलविंदर सिंह जी, इतों की रहने वाले खारा पिंड है जी।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਟਰਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਲਾਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਟ ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟ 'ਚ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ? ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ? ਸੋਚ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਦੇਖੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੀ ਥਾਂ, ਹੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੰਧ ਵੀ ਢਾ ਗਏ, ਕੁੱਟ ਗਏ ਵੀ, ਮਾਰ ਗਏ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੰਗੜਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੜਕਾ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ 4 ਸਪੇਰੋਂ ਜੈਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਬਸ 4 ਸਪੇਰੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਕਰੀ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਬਸ ਠਾਣੇ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 200-300 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 200-300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਨੈਬ ਜੀ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਤੜਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਧਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਜੇ 50-60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ, ਫਟਿਆ ਫੁਟਿਆ ਉਧਾਰ ਪਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅੱਧ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਇਹੋ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੇਹੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਲਾਭ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 5,000 ਕੇ ਕਿੰਨਾ 4,000 ਭਰ ਕੇ 5-6,000 ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਫਿਰ, ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ? ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, 4 ਘਰ ਉੱਥੇ, 4 ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆ, 1,000-1,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1,000-1,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ, 2,000 'ਚ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜੁੜਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਆਪਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਸ਼ਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਨੰਘਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਜੀ, ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ।
अच्छा अच्छा हुण जिवें बहुत कुछ जिवें लोगों को साधन वध गए तुहाडा काम प्रभावित होंदा है पुराने पहला बहुत काम चलता से जो साधन घट से हुण फिर इहदा बदल की चाहुंदे हो तुसीं किस तरह के नाल तुहानूं सहूलत मिले सरकार नूं ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਭਲਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਜੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਪੂ ਵੋਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਾਲ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੌਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਬੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਓ ਵੋਟ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਚੱਲੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਚਰ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤੋੜੋ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਝਾਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੱਟੜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧੇੜ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਰ ਨੂੰ 100 ਦੇਤਾ 200 ਦੇਤਾ ਪਾਇਆ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਗ ਲਾ ਯਾਰ ਚੱਕ ਪੱਚ ਵੋਟ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੂਗਾ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਟੈਂਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ ਜੂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੱਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਸੀ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।